हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है लाल वाला मोटा मिर्चा। इसका आज हम लोग अचार बनाना सीखेंगे। इसको हमने गीले कपड़े से पोंछ के धूप में सुखा लिया है 2 दिन। इसका सारा पानी खत्म हो गया है। अच्छे से इसको धोइए कपड़े को, और उससे निचोड़ के पानी पोंछ दीजिए सारे मिर्चे को। यह मैंने कर लिया। इसके अलावा हमने मसाले लिए हैं। मसालों में देखिए, ये तीनों जो दिख रहा है, धनिया, सौंफ बड़ी और जीरा, ये है खटाई पिसी हुई, हींग, बनारसी राई, नमक, मेथी, कलौंजी, इसको बहुत लोग मंगरेल भी बोलते हैं, और अजवाइन, और प्लस तेल सरसों का। इतनी सब चीज़ों से ये अचार हम बनाएंगे। चलिए फिर हम लोग अचार बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ये मसाले जितने भी हैं साबुत, यानी धनिया, सौंफ, जीरा, मेथी, मंगरेल और अजवाइन, इन सबको हम लोग रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे कि जल जाए, हल्का सा भून लेंगे। चलिए भून लेते हैं। देखिए, सौंफ को हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया। अब धनिया डाला है हमने, धनिया को रोस्ट कर लेते हैं। बहुत हल्का सा करना है। धनिया भी हो गया। अब हम जीरा, मेथी और मंगरेल इसको रोस्ट करेंगे। मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ कि मोटे दाने पतले दाने हैं, तो एक साथ करने में कुछ जल जाएगा और कुछ रोस्ट नहीं होगा, इसलिए अलग अलग इसको रोस्ट करना चाहिए। अभी अजवाइन को हमने रोस्ट नहीं किया, क्योंकि अजवाइन के दाने सबसे छोटे होते हैं, वो बहुत जल्दी जलने लगता है, इसलिए। ये भी चिटकने लगा, होने ही वाला है। ये भी हो गया, खुशबू आने लगी। उसको भी हम लोग खाली कर लेते हैं। इसके बाद अजवाइन अकेले रोस्ट करेंगे। अजवाइन को अकेले रोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसके दाने बहुत बारीक होते हैं। अगर ये अन्य मसालों के साथ करेंगे तो ये जल्दी जल जाएगा। ये भी हो गया, अजवाइन भी रोस्ट हो गया। इसको भी हम लोग मसालों में खाली कर लेंगे। इन भुने हुए मसालों को हम लोग मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। मतलब बहुत मोटा ना रखें और बहुत बिल्कुल बारीक भी नहीं करेंगे। इसको पीसने के बाद इसमें हम नमक, हींग, पिसी खटाई और सरसों प्लस तेल, इतना सब मिलाएंगे। देखिए, ये मसाला हमने मिक्सी में पीस लिया है सूखा सूखा। अब इसमें हम डाल लेंगे हींग। ये हींग है, हींग डालेंगे। काला नमक डालेंगे, नमक डालेंगे, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मसालों से अलग हमने राई पीस के रखी है। आप चाहें तो सरसों भी डाल सकते हैं इसमें। सरसों डालिए, ये सरसों डाल लिए, इन सबको मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे तेल, सरसों का तेल डाल देंगे।
इतना डालेंगे कि ये बाउंड हो जाए। ओके, इसमें तेल भी मिला दिया, मिक्स कर दिया। अब इसमें हम डाल देंगे खटाई। इस खटाई को भी पूरे मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। लो जी, मसाला हमारा हो गया तैयार मिर्चे में भरने के लिए। देखिए, लाल मिर्चों को हमने ऊपर से काट दिया है। बहुत से लोग चीर के भी बनाते हैं, मैंने काट के बनाना है तो इसको काट दिया। देखिए कैसे ये मिर्चा है, इस मिर्चे को ऊपर से लेके ऐसे हमने इसको काट दिया है। अगर आपको चीर के बनाना है तो मिर्चा पूरा है, इसको ऐसे यहाँ पे चीरा लगा दीजिए। दोनों तरह से बनता है भरा मिर्चा। अब इसमें हम लोग मसाला ऐसे भर देंगे, इस वाले में ऊपर से भरेंगे यहाँ से। तो सारे मिर्चे हमने ऐसे काट काट के रख लिए हैं। चलिए इसका मसाला तैयार करते हैं। चलिए अब हम लोग मिर्चा भरते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, जो हमने बीच से चीरा लगाया था, इसको तो आराम से ऐसे भर देंगे, इसमें कोई ज़्यादा टेक्निक नहीं है। ऐसे भर गया, ये देखिए। अब जो हमने ऊपर से काटे हैं, आप चाहें तो इसके अंदर जो मिर्चा है ये निकाल लीजिए, वैसे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भर दीजिए ऐसे। एक हमने दातून जैसा ले लिया, मोटी लकड़ी टाइप, इससे इसको मसाले को भरना है। देखिए ऐसे मसाला डालिए और हाथ में लेके ऐसे। मसाले को ऐसे लिया और इसमें ऐसे नीचे नीचे तक, यहाँ तक ऐसे पूरा ऐसे ये भर जाएगा पूरा मसाला। लो जी, हो जाएगा अभी मिर्चा का अचार भर के तैयार। इसको अच्छे से भर दीजिए। लीजिए ये देखिए, भर गया, हो गया मिर्चे का अचार तैयार। चलिए सारे मिर्चे भर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।